नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, करंट अफेयर का जून मंथ का पार्ट टू लेकर के मैं आ चुका हूं, जिसमें हम लोग 16 जून से लेकर के 30 जून तक के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। आज की वीडियो थोड़ा सा लंबी हो सकती है क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हैं। इस पार्ट में दोस्तों 86 के आसपास क्वेश्चन हैं और पिछले पार्ट में हम लोगों ने 68 क्वेश्चन देखे थे 67 के आसपास में, तो यानी कि मोटा मोटा आपका 151 के आसपास क्वेश्चन हो जाएंगे। ये इस बार इतना ज्यादा क्वेश्चन इसलिए हो रहा है क्योंकि इस बार क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की संख्या बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि एलिमिनेट कहाँ से करें, तो बहुत ही अच्छे से आप देखिएगा, तो थोड़ा तेजी से चलेंगे जिससे ड्यूरेशन कम कर सके, लेकिन बहुत ही शानदार वीडियो होने वाली है, बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। और वीडियो के एंड में आपको कुछ और भी महत्वपूर्ण चीजें दी जाएंगी जैसा कि आपको हमेशा दी जाती है। तो पार्ट वन अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिएगा, ये पार्ट टू है, हम लोग दोनों वीडियोस के माध्यम से कवर करेंगे। टेलीग्राम पर इसकी पीडीएफ मिलेगी, टेलीग्राम पर जाकर के आपको एमजेटी एजुकेशन सर्च करना है और वहीं से पीडीएफ डाउनलोड कर लेनी है। पिछले महीनों के भी पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो आप एमजेटी ऐप डाउनलोड कीजिए, यहीं पर आप फ्री क्विज सेक्शन में जाकर के सबकी क्विज लगा सकते हैं और फ्री वीडियो पीडीएफ सेक्शन में जाकर के आप पिछले महीनों की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं अब 68 क्वेश्चन से, क्योंकि पिछली वीडियो में हम लोगों ने 67 कवर करी है। तो अब अगले क्वेश्चन से हम लोग देखेंगे, हाल ही में जारी कम्युनिटी स्प्रिट इंडेक्स 2023 में किस शहर को दुनिया का सबसे अमित्र शहर बताया गया है। तो दोस्तों, दुनिया का सबसे अमित्र शहर जो है वो घाना को बताया गया है। अभी एक लिस्ट आई हुई है, इसमें मुंबई और दिल्ली जो भारत के शहर हैं ये भी इस लिस्ट में शामिल हैं, लेकिन चूंकि सबसे ज्यादा पूछा गया है सबसे अमित्र शहर, तो इसमें भारत का जो ये दिल्ली और मुंबई है ये इनमें नहीं है, बल्कि घाना जो है ये इसमें है, ठीक है। तो घाना सबसे अमैत्रीपूर्ण शहर है, अनफ्रेंडली सिटी है। मोरक्को दूसरे पर है और तीसरे पर है मुंबई। देखो, ये भारत का है, यानी कि यहाँ पर सबसे अनफ्रेंडली व्यवहार करने वाले लोग रह रहे हैं। और सबसे मैत्रीपूर्वक शहर कौन है? टोरंटो, सिडनी, न्यूयॉर्क, ये सभी सबसे फ्रेंडली सिटीज हैं। दुनिया भर के 53 शहरों में सर्वे करके ये कम्युनिटी स्प्रिट इंडेक्स जारी की गई। इस वीडियो में बहुत सारे इंडेक्स और रैंकिंग आई हुई हैं, तो आपको इन तक जरूर देखना है, सब के सब इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला, विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे प्रत्येक वर्ष 14 जून को मनाया जाता है और ये ब्लड के डोनेशन को लेकर के उसके प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। इस बार की थीम थी गिव ब्लड गिव प्लाज्मा शेयर लाइफ शेयर ऑफन। ओके, तो अल्जीरिया जो है ये वैश्विक कार्यक्रम के लिए इस बार मेजबान देश है, ये पॉइंट पूछा जा सकता है और ये मतलब आई एम श्योर ये पूछा ही जाएगा आपसे कि विश्व रक्तदाता दिवस 2023 का वैश्विक कार्यक्रम है जो इस बार मेजबान देश कौन है, तो अल्जीरिया है, ठीक है। अगला, तेलंगाना सरकार ने 2023 के युवा उद्यमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? तो अभी हाल ही में विनय अडागिरी और सुरेश नगला, इन दोनों को दोस्तों सम्मानित किया गया है युवा उद्यमी पुरस्कार से। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, विनय अडागिरी और सुरेश नगला को सम्मानित किया गया है, ठीक है। तेलंगाना राज्य प्रौद्योगिकी सेवाओं के अध्यक्ष जगनमोहन राव और वंदे भारत ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉक्टर रमेश एपल्ली ने इन्हें पुरस्कार दिया हुआ है। अगला, किस राज्य के इसाद आम को जीआई टैग दिया गया? इसाद आम, इसाद आम दोस्तों ये प्रोडक्ट है कर्नाटक का और इसको अभी हाल ही में दिया गया है जीआई टैग। कारी इसाद मैंगो, ये उत्तर कर्नाटका में होता है, उत्पादन होता है इसका अंकोला में, तो इसे जीआई टैग मिला हुआ है, ठीक है। जीआई टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, ठीक है, भौगोलिक संकेतक, भौगोलिक उत्पाद संकेतक, तो इसको जो है इसाद आम यहाँ का हुआ। अच्छा, कुछ और आम जैसे कि मैं आपसे कहूँ जरदालू आम, ये कहाँ का प्रोडक्ट है? तो भागलपुरी जरदालू आम ये बिहार का प्रोडक्ट है, इसको मिल चुका है। और महाराष्ट्र के अल्फांसो आम को मिल चुका है, उत्तर प्रदेश के लंगड़ा आम बनारस में इसको भी मिल चुका है जीआई टैग। ये सभी आम हैं, आम की प्रजातियां हैं जिनको जीआई टैग मिल गया है। जीआई टैग के लिए अधिनियम 1999 में लाया गया था, 2003 में जाकर के एक्ट बना और 2004 में सबसे पहले दार्जिलिंग की चाय को जीआई टैग मिला। 10 साल की वैलिडिटी के लिए मिलता है। अगला, हाल ही में फीफा अंडर 20 विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता? तो फीफा अंडर 20 विश्व कप का खिताब दोस्तों जीत लिया है उरुग्वे ने। ध्यान रखिए, ये फीफा वर्ल्ड कप की बात नहीं हो रही है, फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप की बात हो रही है। तो उरुग्वे ने इसे जीत लिया है, ठीक है ना। इटली को 1-0 से हरा करके इसने फाइनल मैच जीता है, ओके, 86वें मिनट में जीता है। अब देखो, फीफा वर्ल्ड कप किसने जीता? फीफा वर्ल्ड कप जीता था अर्जेंटीना ने और अर्जेंटीना में ही ये अंडर 20 विश्व कप आयोजित हो गया हुआ, ठीक है। तो अर्जेंटीना विजेता है इस बार का फीफा वर्ल्ड कप का, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अर्जेंटीना ने फ्रांस को हरा करके जीता था, फ्रांस को हरा करके। अभी फीफा रैंकिंग भी आई हुई है एक, उसको भी हम लोग अभी देखेंगे। आगे, हाल ही में इकबाल मसीह पुरस्कार किसने जीता?
इकबाल मसीह पुरस्कार दोस्तों दिया गया है इस बार ललित नटराजन को। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाएंगे, ललिता नटराजन गेट्स यूएस गवर्नमेंट इकबाल मसीह अवार्ड। ये यूएस गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। इकबाल मसीह जो थे ये पाकिस्तानी एक व्यक्ति थे, उन्हीं के नाम पर उन्हीं के सम्मान में ये दिया जाता है, लेकिन दिया अमेरिका के द्वारा दिया जाता है, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऐसे मलाला यूसुफजई के ऊपर एक पुरस्कार दिया जाता है, वो भी यूएस गवर्नमेंट के द्वारा देते हैं। चलिए अगला, जून 2023 में ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स में सबसे कम प्रसार वाले देशों में शीर्ष पर कौन है? तो ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स आया, इसमें सबसे कम प्रसार वाले देशों में टॉप पर है दोस्तों स्विट्जरलैंड। तो ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स आया है, यानी मजदूरी के लिए एक इंडेक्स आया हुआ है, और इसमें मॉडर्न स्लेवरी के उच्चतम प्रसार वाले देशों में टॉप फाइव में अगर बात करें तो उत्तर कोरिया टॉप पर है, सेकेंड पर इरिट्रिया है, थर्ड पर मॉरिटानिया है, फिर सऊदी अरब और तुर्की है, और सबसे कम प्रसार वाले देशों में स्विट्जरलैंड है, ठीक है। नॉर्वे सेकंड पर है, थर्ड पर जर्मनी, फोर्थ पर नीदरलैंड और फिफ्थ पर है स्वीडन। और वहीं अगर बात करें सबसे ज्यादा आबादी वाले लोगों की, सबसे अधिक संख्या वाले देशों में, तो उसमें भारत जो है ये टॉप पर है। भारत की आबादी भी आजकल के टाइम पर मतलब सबसे ज्यादा हो गई है, चाइना को सरपास कर दिया गया है, ठीक है। चाइना सेकंड पर है, थर्ड पर पाकिस्तान, चौथे पर रूस और पांचवें पर इंडोनेशिया है, ठीक है। यहां पर कितना स्लेवरी हो रही है उसकी ये इंडेक्स है। अगला, हाल ही में RSL क्रिस्टोफर ब्लैंड पुरस्कार, इसको किसने जीता है? तो RSL क्रिस्टोफर ब्लैंड पुरस्कार दोस्तों ये पैटरसन जोसेफ को मिला हुआ है। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाएंगे, इन्होंने RSL क्रिस्टोफर ब्लैंड प्राइज जीत लिया है। ये अपने पहले उपन्यास द सीक्रेट डायरीज ऑफ चार्ल्स इग्नाटियस सांचो के लिए ये पुरस्कार जीते हैं 2023 के लिए। ये अंग्रेजी अभिनेता और लेखक हैं। अच्छा, एक और जरूरी चीज है आपके लिए, उत्तर प्रदेश पुलिस का सिपाही बैच दोस्तों आ चुका है, खाकी बैच। बहुत बड़ी वैकेंसी है उत्तर प्रदेश में, इतनी बड़ी पुलिस की वैकेंसी आज तक कभी नहीं आई है। तो अगर आप चाहते हो बेहतरीन ढंग से तैयारी करना, या आपके आपके छोटे भाई या आपका कोई भी सदस्य मेंबर है घर का, या जान पहचान में कोई दोस्त है वो अगर ज्वाइन करना चाहता है UPP, तो आप उसको ये जो बैच है उसको सजेस्ट कर सकते हैं। अभी के लिए ये बैच लेने पर, जैसा कि आपको पता है, हमेशा जब भी लॉन्च होता है तो मैं अपने स्टूडेंट के लिए प्री लॉन्च ऑफर दिया करता हूँ। तो प्री लॉन्च ऑफर के तहत शुरू के 48 घंटों के अंदर अगर आप इसे लेते हैं तो फिर आपको ₹211 की छूट मिलेगी, ठीक है। तो आप ये बैच जा करके ज्वाइन कीजिए, कूपन कोड वगैरह सब आपको MZT ऐप पर बताया गया है। आप जैसे ही ऐप को एंटर करेंगे वहां पर सारी डिटेल्स आपको मिलेंगी। तो कोई भी डाउट हो, कोई भी और ज्यादा जानकारी चाहिए तो व्हाट्सएप कीजिए, व्हाट्सएप का नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, किस राज्य सरकार ने पद्म पुरस्कार विजेताओं को ₹10,000 मासिक पेंशन देने की घोषणा की है? तो पद्म पुरस्कार विजेताओं को ₹10,000 मासिक पेंशन दी जाएगी हरियाणा में। हरियाणा राज्य सरकार ने इसकी घोषणा की हुई है, यहाँ पर देख लो आप, आर्टिकल है बिजनेस स्टैंडर्ड का। तो इसके तहत 12 जून को ये घोषणा हुई, और इसमें ये भी कहा गया है कि वॉल्वो बस सेवा में मुफ्त में यात्रा भी कर पाएंगे और ₹10,000 मासिक पेंशन भी मिलेगी। अगर कोई ऐसा खिलाड़ी है या फिर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे पद्म पुरस्कार मिले हैं वो इसके हकदार होंगे। रिलायंस तीरा ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो रिलायंस तीरा ने दोस्तों अभी सुहाना खान, कियारा आडवाणी और करीना कपूर खान, इन तीनों को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। रिलायंस तीरा, ये रिलायंस का ही एक प्रोडक्ट है, और इसने देखो इन तीनों को नियुक्त किया है, ठीक है ना, अपना ब्रांड एम्बेसडर। अगला, हाल ही में अरब सागर में सबसे लंबे जीवन काल वाला चक्रवात कौन बना? तो अरब सागर में सबसे लंबे जीवन काल वाला चक्रवात बन गया है विप्राजय। विप्राजय सबसे लंबे जीवन काल, मतलब कि सबसे लंबा, ये लंबे समय तक ये चला तूफान जो था, चक्रवाती तूफान था, और बहुत ज्यादा कहर भी बर पाया। गुजरात वगैरह में इवैक्यूएशन भी किया गया, ठीक है, विप्राजय के लिए। विप्राजय जो है अरब सागर से उठा था और बहुत ज्यादा कहर बरपाया इसने। फिलहाल विप्राजय जो है ये 11 दिनों तक सक्रिय रहा, और इसका नाम बांग्लादेश ने दिया है, ये भी ध्यान रखेंगे आप। अगला, किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित उपन्यासकार कार्मेक मैकार्थी का हाल ही में निधन हो गया? कार्मेक मैकार्थी ये बहुत ही फेमस उपन्यासकार थे, और इनको पुलित्जर पुरस्कार मिल चुका था। देखो पुलित्जर पुरस्कार जो है ये पत्रकारिता के श्रेणी में दिया ही जाता है, पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड होता ही है, साथ ही साथ साहित्य की श्रेणी में भी ये दिया जाता है अमेरिका द्वारा, ठीक है। तो ये पुलित्जर पुरस्कार पाए हुए थे, और इनका अभी हाल ही में 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। ये अमेरिका के रहने वाले थे, क्लियर है। इनका पहला उपन्यास था द आर्चर्ड कीपर। अगला, जून 2023 में यूनाइटेड किंगडम ने वरिष्ठ राजनयिक जेन मैरिट को किस देश का अगला ब्रिटिश उच्चायुक्त नियुक्त किया? ये बहुत ज्यादा चर्चे में रही थी न्यूज, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान में अभी ब्रिटेन ने या कहें यूके ने एक जैन मैरियट नाम की एक लेडी हैं, बहुत ही सीनियर मोस्ट वहां की मतलब राजनयिक हैं,
उनको नियुक्त किया है इनको अपना पाकिस्तान में उच्चायुक्त। क्लियर है, यहां पर आप देख पाएंगे इस्लामाबाद में ये पहली महिला ब्रिटिश दूत भी बन गई हैं। काफी समय से वहां पर 2019 से ही कोई भी दूत नहीं था और इसके बाद पद खाली था, अभी इनको नियुक्त किया गया। अगला है, हाल ही में किस राज्य में स्विंग फेस्टिवल मनाया गया? तो दोस्तों स्विंग फेस्टिवल यानी झूला महोत्सव, जिसे राजा परवा भी कहते हैं, ये मनाया जाता है ओडिशा में। ठीक है, राजा परवा के नाम से भी ये बहुत ज्यादा फेमस है और ये ओडिशा में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है मिथुन संक्रांति के अवसर पर। इसे स्विंग फेस्टिवल भी कहते हैं और इसे राजा महोत्सव भी कहते हैं, राजा परवा भी कहते हैं। जैसे असम में अंबुबाची मेला मनाया जाता है ना, उसी तरीके से ये ओडिशा में राजा परवा मनाया जाता है। अगला, किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक मास्टर रेजिडेंशियल रियल एस्टेट, इसका विमोचन किया गया? तो मास्टर रेजिडेंशियल रियल एस्टेट, इस पुस्तक को लिखा है दोस्तों अश्विनिंदर सिंह ने। यहाँ पर देखिए आर्टिकल है, अश्विनिंदर आर सिंह न्यू बुक गेट्स थम्स अप फॉर टॉप सीईओ। तो फिलहाल इन्होंने मास्टर रेजिडेंशियल रियल एस्टेट नाम से ये पुस्तक लिखी हुई है। अगला, महिला 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो जून 2023 में महिला 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन दोस्तों चेन्नई में हुआ। देखो G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है, तो इस बार समय समय पर अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार के समिट हो रहे हैं। वो 20 के नाम से होते हैं क्योंकि उनमें वो सभी G20 के मेंबर होते हैं जो G20 में एक्चुअल में मेंबर हैं। तो जैसे आप यूथ 20 सुनते हो, विमेन 20 सुनते हो, ठीक है, ऐसे ऐसी बहुत सारे समिट आपको सुनने को मिलती हैं। ओवरऑल सबकी मेजबानी तो देश के रूप में भारत कर रहा है इस बार, और ये भारत के अलग अलग सिटीज में अलग अलग जगह पर आयोजित किए जा रहे हैं। तो ऐसे ही विमेन 20 समिट जो है ये चेन्नई में आयोजित किया गया। क्लियर है, और जो G20 की मेन समिट होगी वो कब होगी? वो सितंबर महीने में होगी। तो 15 और 16 जून में किस थीम के साथ? विमेन्स लीडरशिप डेवलपमेंट चेंज थ्राइव एंड ग्रो, इस थीम के साथ ये समिट आयोजित हुई। थीम पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है, और इसमें 5 एजेंडा भी रखे गए थे जो यहां पर मैंने लिख दिया है, आप वीडियो को पास करके देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य को शहरी और रियल एस्टेट श्रेणी में अंतरराष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो अभी हाल ही में तेलंगाना की 5 बिल्डिंग्स को दोस्तों रियल एस्टेट क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यहाँ पर इंडियन एक्सप्रेस का आप आर्टिकल भी देख पाओगे, 5 आइकॉनिक तेलंगाना स्ट्रक्चर विन इंटरनेशनल अवार्ड फॉर ब्यूटिफुल बिल्डिंग्स। तो ये 5 बिल्डिंग्स हैं जिनको मिला है, और ये 5 बिल्डिंग कौन कौन से हैं यहाँ पर मैंने लिख दिया है, मोज्जम जाही बाजार विरासत श्रेणी में, दुर्गम चेरुवु केबल ब्रिज ब्रिज श्रेणी में, बीआर अंबेडकर तेलंगाना राज्य सचिवालय भवन सौंदर्य डिजाइन में, तेलंगाना पुलिस का एकीकृत कमांड कंट्रोल सेंटर और यादाद्री मंदिर, ठीक है, इनको द ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सम्मानित किया गया है। जीएस सफलता बैच भी है दोस्तों, इसको भी आप ले सकते हो अगर आप लेना चाहते हो। जीएस बिल्कुल फाउंडेशन से आप स्टार्ट करना चाहते हो, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हो, तो आप ये बैच से शुरुआत कर सकते हो। जबरदस्त बैच है, 18 महीने की वैलिडिटी के साथ। अगला, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी, इसका नाम बदल करके क्या रखा गया? इसका नाम बदल करके दोस्तों अब प्रधानमंत्री संग्रहालय और लाइब्रेरी सोसाइटी कर दिया गया है। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी से अब होगा ये प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी। बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है, बहुत ही शानदार और हाईटेक बनाया गया है, आप अगर एक बार जाएंगे तो दिल खुश हो जाएगा। फिलहाल ये दिल्ली में स्थित है, ठीक है। पिछली साल ही अभी जो मेन लाइब्रेरी थी उसका नाम बदल करके, जो जवाहरलाल नेहरू लाइब्रेरी था उसका नाम बदल करके प्रधानमंत्री संग्रहालय किया गया था, और सिर्फ एक प्रधानमंत्री का नाम होकर के इसमें भारत के सभी प्रधानमंत्रियों के लिए गैलरी बनाई गई थी उनके कार्यों को याद करते हुए, ठीक है। तो अब इसके म्यूजियम और लाइब्रेरी का भी नाम बदल दिया गया है, त्रिमूर्ति हाउस में स्थित है। अगला, पीएम मोदी ने किस गायक के साथ मिलकर एम्बंडेंस ऑफ मिलेट नाम से गीत जारी किया? तो पीएम मोदी जी हैं ये फाल्गुनी शाह के साथ मिलकर अबंडेंस ऑफ मिलेट नाम से गीत जारी किए हैं। फाल्गुनी शाह एक जाने माने दोस्तों सिंगर हैं, ग्रैमी अवार्ड विनर सिंगर हैं, तो इनके साथ मिलकर के मिलेट्स के लिए ये गाना गाया गया। मिलेट्स क्या है? ये मोटे अनाजों को कहते हैं। आपको अगर याद हो तो कई बार मैंने बताया है कि इस बार जो है 2023 को बाजरा यानी मोटे अनाजों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है, ठीक है ना। मिलेट्स का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है 2023 को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऑलरेडी पूछा जा चुका है एग्जाम में क्वेश्चन, और आगे भी पूछा जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, क्योंकि भारत की ही पहल पर वो हुआ था। अगला है, हाल ही में केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ ने किस राज्य में दुग्ध संकल्प साथी मोबाइल ऐप का अनावरण किया है? तो डॉक्टर महेंद्र नाथ जो कि केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री हैं, इन्होंने अभी हाल ही में उत्तराखंड में ये मोबाइल ऐप का अनावरण किया हुआ है, ठीक है, दूध को लेकर के मसूरी उत्तराखंड में ये किया गया है। ये ऐप जो है राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड के द्वारा डिजाइन किया गया है। अगला,
हॉलीवुड रिपोर्टर्स के अनुसार ग्रैमी अवार्ड्स में किस नई श्रेणी का विस्तार किया गया? तो देखो, ग्रैमी अवार्ड्स में ना, जो कि संगीत के क्षेत्र का सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है, इसमें इस बार 3 नई कैटेगरीज ऐड की गई हैं। एक तो बेस्ट अफ्रीकन म्यूजिक परफॉर्मेंस की कैटेगरी, एक बेस्ट पॉप डांस रिकॉर्डिंग की कैटेगरी और बेस्ट अल्टरनेटिव जैज एल्बम की कैटेगरी। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ग्रैमी अवार्ड, ध्यान रखिएगा, अमेरिका में दिया जाता है, संगीत के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। ठीक है, अगला, तो ये सारी चीजें जो मैं आपको बता चुका हूँ, आगे बढ़ते हैं। किस IIT संस्थान ने स्मार्ट वायु प्रदूषण मॉनिटरिंग विकसित किया? स्मार्ट वायु प्रदूषण मॉनिटरिंग जो है विकसित किया है IIT मद्रास ने। ठीक है, यहाँ पर देखिए, IIT मद्रास डेवलप्स IoT बेस्ड मेथड फॉर मोबाइल पॉल्यूशन मॉनिटरिंग। ये चलता फिरता एक पॉल्यूशन मॉनिटरिंग होगा जो मॉनिटर करेगा कि कहाँ पर पॉल्यूशन ज्यादा है, कहाँ पर हवा में पॉल्यूशन का स्तर कम है। तो इसको प्रोजेक्ट काटरू के नाम से, जिसका तमिल में अर्थ होता है हवा, उसके नाम से लॉन्च किया गया है। इस प्रोजेक्ट का नाम आपसे पूछा जा सकता है। अगला, हाल ही में किसकी पुस्तक रिबेल्स अगेंस्ट द राज, इसको एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार मिला है? तो रिबेल्स अगेंस्ट द राज जो है पुस्तक रामचंद्र गुहा की, और इसने ये पुरस्कार जीत लिया है। यहां पर देखिए आर्टिकल है, रिबेल्स अगेंस्ट द राज विंस एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड प्राइज। रामचंद्र गुहा एक बहुत ही फेमस जाने माने ये राइटर हैं। तो 5,000 pounds का, लगभग 5 lakh rupees का इन्होंने ये पुरस्कार जीता है। अगला, हाइब्रिड मॉडल के आधार पर एशिया कप 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो देखो, एशिया कप में भारत ने मना कर दिया था साफ साफ कि अगर पाकिस्तान में होगा तो भारतीय टीम नहीं जाएगी खेलने। तो इसलिए इसको देखते हुए पाकिस्तान और श्रीलंका, इन दोनों जगहों पर हाइब्रिड मॉडल में आयोजित कराने जाने की घोषणा हुई है। ठीक है, पाकिस्तान और श्रीलंका दोनों जगहों पर आयोजित किया जाएगा एशिया कप। एशिया कप 31 अगस्त से 17 सितंबर के बीच में आयोजित किया जाएगा। सबसे ज्यादा भारत ने दोस्तों 7 times जीता हुआ है एशिया कप, ये ध्यान रखिएगा। और पिछली भी जीता की अगर बात करें तो पिछले वर्ष जो है वो श्रीलंका ने जीता था। किसने जीता था? श्रीलंका ने जीता था। अगला, किस मंत्रालय ने ऑफिस में योग करने के लिए वाइब ब्रेक योगा एट ऑफिस चेयर अभियान शुरू किया? तो इसको शुरू किया गया है दोस्तों अभी आयुष मंत्रालय के द्वारा। यहाँ पर देखिए आर्टिकल है, वाई ब्रेक योगा एट ऑफिस चेयर, ये शुरू किया गया है और ये योग दिवस के अवसर पर शुरू किया गया। योग दिवस आप जानते हो दोस्तों 21 जून को मनाया जाता है, अभी आगे हम लोग बात करेंगे इसके बारे में और ज्यादा डिटेल में। 37वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर किसे चुना गया? देखो, 37वां राष्ट्रीय खेल गोवा में इस बार आयोजित हो रहा है। ठीक है, गोवा में आयोजित हो रहा है, होगा 37वां राष्ट्रीय खेल। तो इसमें मस्कट यानी शुभंकर चुना गया है दोस्तों मोगा को, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखो, जीतू नाम का अभी बारा सिंघा जो था, ये अभी जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हुआ ना यूपी में हुआ, उसका मस्कट था ये। और पिछली बार अगर पूछा जाए तो पिछली बार दोस्तों ये गुजरात में हुआ था, यानी 36वां जो हुआ था ये गुजरात में हुआ था 36वां। ठीक है, 37वां हो रहा है गोवा में। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाएगा ही जाएगा। एक जरूरी बात, पंजाब का एक मार्शल आर्ट है गतका, ये इस बार नया खेल होगा, इसमें शामिल होने वाला नया खेल। कौन सा खेल नया शामिल होता है, ये भी क्वेश्चन बनता है। जैसे मैं अभी अगर बात करूं तो यहाँ पर मैंने आपको बताया खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, इसमें इस बार रोइंग को शामिल किया गया है, रोइंग को। ठीक है, तो रोइंग और गतका दोनों आप याद रखेंगे, गतका इसमें। ठीक है, 36वें का सवज था, यानी जो हुआ था गुजरात में उसमें सवज था मस्कट। ठीक है, पीटी ऊषा जो है ये भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष है। अगला है, जून 2023 में किसे भारत की बाहरी खुफिया एजेंसी रॉ का नया प्रमुख नियुक्त किया गया? तो रॉ के दोस्तों यानी रिसर्च एनालिसिस एंड विंग के नए प्रमुख बन गए हैं रवि सिन्हा। रवि सिन्हा जो हैं ये सामंत गोयल जी की जगह पर आए हैं। ठीक है, ये सामंत कुमार गोयल जो थे ये अपना कार्यकाल पूरा किए, तो अब इनकी जगह पर रवि सिन्हा को रॉ का प्रमुख नियुक्त किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, तो 1988 बैच के ये IPS अधिकारी रहे हैं, छत्तीसगढ़ कैडर के। अगला क्वेश्चन, हाल ही में स्पेस एक्स ने किस देश के लिए सात्रिया 1 नाम का एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया? तो स्पेस एक्स जो कि एलन मस्क वाली कंपनी है, उसने अभी इंडोनेशिया के लिए सात्रिया 1 नाम से कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है। इकोनॉमिक टाइम का यहां पर आपके सामने आर्टिकल है और फाल्कन 9 रॉकेट से स्पेस एक्स ने इसे लॉन्च किया है फ्लोरिडा में। ठीक है, अब सात्रिया का मतलब होता है इंडोनेशिया गणराज्य का उपग्रह। ठीक है, तो इंडोनेशिया ने अपना ये उपग्रह कम्युनिकेशन सैटेलाइट SpaceX से लॉन्च करवाया है। कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 इसको किसने जीता? तो देखो दोस्तों, इस बार तो धूम मची हुई है मैक्स वर्सटैपन की। मैक्स वर्सटैपन ही सारे रेसेस जीत रहे हैं, कैनेडियन ग्रैंड प्री भी इन्होंने जीत लिया। यहाँ पर आर्टिकल देखिए इकोनॉमिक टाइम का, रेडबुल के ये हैं मैक्स वर्सटैपन, नीदरलैंड के रहने वाले हैं और इस साल सबसे ज्यादा रेस यही जीते हुए हैं।
अभी तक मैक्स वर्सटैपन ने इस सीजन में बहरीन ग्रांप्री, ऑस्ट्रेलियन ग्रांप्री, मियामी ग्रांप्री, मोनाको, स्पेनिश और कैनेडियन ग्रांप्री जीत लिए हैं। दो और हुआ है जो रेडबुल के ही सार्जियो पेरेज ने जीता है, सऊदी अरब ग्रांप्री और अजरबैजान ग्रांप्री। ठीक, अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गृह ज्योति योजना शुरू किया? तो गृह ज्योति योजना शुरू किया है दोस्तों कर्नाटक राज्य सरकार ने। इसके तहत क्या होगा? इसके तहत घरों में 200 यूनिट तक का फ्री बिजली होगा, मतलब 200 यूनिट तक का अगर बिल आता है तो फ्री कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो और साथ ही साथ इन्होंने और भी बहुत सारी योजनाएं शुरू की हैं, जैसे कि सभी के लिए आवास योजना, और उसके तहत किफायती दरों पर आवास वगैरह भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ठीक है, कर्नाटक में सरकार चेंज हुई, आपने जाना ही, अभी पिछले महीनों में हुआ था वहां पर विधानसभा का चुनाव, कांग्रेस की सरकार बनी है। अगला, 2023 में किस थीम के साथ 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, योगा दिवस की थीम बहुत पूछी जाती है। तो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, इस बार की थीम थी योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम। क्या था? योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है, पिछली बार की अगर 2022 की थीम अगर पूछी जाए तो आप बताएंगे योगा फॉर ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी, ठीक है, योगा फॉर ह्यूमैनिटी। और 2021 की थीम पूछी जाए तो आप बताएंगे योगा फॉर वेलनेस, ठीक है ना, योगा फॉर वेलनेस। ठीक है, तीनों सालों की आप याद रखेंगे। तो इंटरनेशनल योगा डे भारत की ही पहल पर 2015 से मनाया जाना शुरू हुआ, यूएनजीए ने अप्रूव कर दिया था 2014 में, 2015 से पूरे वर्ल्ड वाइड मनाया जाता है। इस बार 9वां संस्करण था इसका, ठीक है, और इस बार पीएम मोदी गए हुए थे यूएन में, तो यूनाइटेड नेशंस में गए हुए थे, तो वहां पर इन्होंने योग किया और ऐसा पहली बार हुआ ऐसा। ठीक है, अगला, इंडिगो ने यूरोपीय निर्माता एयरबस को कितने विमानों का ऑर्डर देकर अब तक का सबसे बड़ा एकल खरीद समझौता किया है? तो इंडिगो जो भारत की कंपनी है, एक विमानन कंपनी है, इसने एयरबस नाम की एक कंपनी जो कि अमेरिका में जहाज वगैरह बनाती है, उसको ऑर्डर दिए हैं 500 ऐसे जहाज की, जहाज 500 जहाज खरीदेगा, यहां पर देखो 500 एयरबस एयरक्राफ्ट खरीदेगा इंडिगो कंपनी। ये बहुत बड़ी डील होगी, दुनिया में सबसे बड़ी डील्स में से एक है ये, और इसके लिए देखो 2030 से 2035 तक ये लोग डिलीवरी करने की भी बात किए हुए हैं। 1330 एयरबस के विमान जो हैं वो टोटल इंडिगो द्वारा ऑर्डर किए जा चुके हैं, अगर इसको मिला लिया जाए तो। ठीक है, इससे पहले एयर इंडिया ने 470 विमान खरीदने की घोषणा की थी 2023 में, जिसमें 250 एयरबस के ही थे और 220 बोइंग कंपनी के थे। तो कुल मिलाकर के भारत में विमान बहुत तेजी से बढ़ने वाले हैं, और इससे क्या होगा, इससे फ्लाइंग की जो चार्जेस हैं, फेयर हैं, वो कम होगा, ठीक है ना, उसमें कमी देखने को मिलेगी। अगला, हाल ही में कहां पर आयोजित बहुराष्ट्रीय अभ्यास खान क्वेस्ट 2023 भारतीय सेना ने भाग लिया? तो देखो ये होता है मंगोलिया में, खान क्वेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होती है खान क्वेस्ट, इसमें भारत भाग लेता है। ठीक है, भारत हिस्सा लेता है, इंडियन आर्मी गई है, पार्टिसिपेट की है, मल्टीनेशनल ये एक्सरसाइज होता है। ठीक है, यानी इसमें कई और देश भी होते हैं, तो मंगोलिया में आयोजित होता है, भारतीय सेना इसमें हिस्सा लेती है, 20 से अधिक देश इसमें हिस्सा ले रहे हैं। अगला, ओडिशा में मनाए जाने वाले जगन्नाथपुरी रथ यात्रा में किस देवी या देवता की रथ यात्रा निकाली जाती है? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओडिशा में दोस्तों प्रत्येक वर्ष जगन्नाथपुरी से रथ यात्रा निकलती है, इसमें भगवान जगन्नाथ, उनके भाई, बड़े भाई बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा, ये सब लोग कहा जाता है कि अपनी नानी के घर जाते हैं। ठीक है, और उपरोक्त सभी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होगा, इसके लिए जगन्नाथपुरी रथ यात्रा निकाली जाती है। 9 दिनों की ये यात्रा होती है, बहुत ही प्रसिद्ध यात्रा है, विश्व प्रसिद्ध यात्रा है। ठीक है, और यहाँ पर देखो पूरा डिटेल्स लिखा गया है। अगला, जून 2023 में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर कौन नियुक्त हुए? तो आरबीआई के एक गवर्नर और चार डिप्टी गवर्नर होते हैं, तो इसमें एक डिप्टी गवर्नर, उन चार में से एक डिप्टी गवर्नर दोस्तों नियुक्त हुए हैं, स्वामीनाथन जानकी रमन। ठीक है, यहां पर देखिए आर्टिकल है, एसबीआई के स्वामीनाथन जानकी रमन अब अपॉइंट कर दिए गए हैं आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में। तो अब वर्तमान टाइम पर कितने हो गए हैं? ठीक है, ये तो देखो यहाँ पर लिखा गया है डिटेल कि 3 वर्ष या अगले आदेश तक इनको नियुक्त किया गया है, महेश कुमार जैन की जगह पर आएंगे। तो वर्तमान में कौन कौन से डिप्टी गवर्नर बचे हैं? तो देखो माइकल पात्रा हैं, इनको, इनका तो कार्यकाल एक बार खत्म हुआ था लेकिन दोबारा से इनको नियुक्त किया गया था। टी रविशंकर हैं, एम राजेश्वर राव हैं और स्वामीनाथन जानकी रमन हैं। ये चार तो डिप्टी गवर्नर हो गए, और गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास, आप जानते हो 25वें नंबर के। किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कार्य योजना संहिता 2023 जारी किया? तो राष्ट्रीय कार्य योजना संहिता दोस्तों इसको जारी किया है पर्यावरण मंत्रालय ने, पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा ये योजना लॉन्च की गई है। यहाँ पर देखिए आर्टिकल है, राष्ट्रीय कार्य योजना संहिता 2023 जो है ये वन महानिदेशक और विशेष सचिव चंद्र प्रकाश गोयल द्वारा जारी किया गया है।
ठीक है, ये 17 जून को जारी किया गया है, जब 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस मनाया जाता है। ये दिवस भी पूछा गया है एग्जाम में, इसको भी आप याद रखेंगे। तो पहली बार 2004 में ये लाया गया था राष्ट्रीय कार्य योजना संहिता, और अभी 2023 में लाया गया है। अगला, WEF की वैश्विक लैंगिक समानता सूचकांक यानी ग्लोबल जेंडर गैप में भारत किस स्थान पर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचकांक होता है ये, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत 127वें स्थान पर आ गया है। इसको जारी कौन करता है ये भी पूछा जाता है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ये जारी किया जाता है। देखो यहाँ पर 8 स्थानों का इस बार इजाफा हुआ है भारत में, और भारत 127वें पायदान पर पहुंच चुका है। ठीक है, टॉप पर कौन है? आइसलैंड। आइसलैंड लगातार 14वें साल दुनिया में टॉप पर रहा है। भारत के पड़ोसी देशों में बात करें तो पाकिस्तान 142वें पर, बांग्लादेश 59वें पर, चाइना 107वें पर, नेपाल 116वें पर, श्रीलंका 115वें और भूटान 103वें स्थान पर है। अगला, हाल ही में 2023 के लिए जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार किसे दिया गया? तो जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार इस बार जीता है दोस्तों सलमान रुश्दी ने। सलमान रुश्दी बहुत ही फेमस ये राइटर है, यहाँ पर देखिए आर्टिकल है हिंदुस्तान टाइम्स का, इन्होंने जीता है प्रेस्टीजियस जर्मन पीस प्राइज। ठीक है, तो इन पर अटैक भी हुआ था, आपको अगर पता हो 2021 में इन पर एक अटैक हो गया था अभी। ठीक है, और ये मतलब अपनी पुस्तकें लिखे, कंट्रोवर्सियल पुस्तकें लिखे जाने के लिए ये ज्यादा चर्चे में रहते हैं। इन्होंने 1988 में एक पुस्तक लिखी थी द सटैनिक वर्सेस, सबसे ज्यादा तो विरोध इसी के लिए हुआ था और इसी के लिए इनको अवार्ड भी मिला, मतलब बहुत ज्यादा फेमस हुए थे। अभी रिसेंट इनकी एक पुस्तक आई है विक्ट्री सिटी, ये भी आप याद रखेंगे। फिलहाल इनको जर्मन शांति पुरस्कार मिला है। अगला, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी ने किसे ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया? तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा WHO के जो हेड हैं डॉक्टर टेड्रोस गैब्रियोस एडनोम, उनको सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये WHO के वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के चीफ हैं, तो इनको सम्मानित किया गया है। यहां पर देखिए IOC अवार्ड ओलंपिक ऑर्डर फॉर WHO डायरेक्टर। अब आप कहोगे ये ओलंपिक का अवार्ड इनको क्यों मिल रहा है, कोई खिलाड़ी है क्या? नहीं, ये खिलाड़ी नहीं है, लेकिन ओलंपिक खेल सुचारू रूप से आयोजित हो उस टाइम पर इन्होंने काफी ज्यादा हेल्प की थी एज ए WHO के डायरेक्टर के रूप में। इन्होंने ओलंपिक खेल जो हुआ था ना टोक्यो में 2021 में हुआ था, तो उसमें कोरोना जो है ये बहुत बड़ा चैलेंज था, तो उस टाइम पर WHO की टीम ने काफी ज्यादा हेल्प की थी कोविड मुक्त बनाने में, या फिर जो भी मिलता था जांच होती थी उनको बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज कराने में काफी हेल्प की थी, इसलिए इन्होंने अब जब छुट्टी मिली है तो इनको ऑर्डर से सम्मानित किए हैं। आगे देखते हैं, हाल ही में भारतीय सेना ने कहां पर आग्नेयस्त्र वन नाम का सैन्यभ्यास किया? तो भारतीय सेना के द्वारा ये लद्दाख में आयोजित हुआ है आग्नेयस्त्र वन नाम का अभ्यास। यहाँ पर देखिए कि ये चोटियों में हो रहा है, लद्दाख के पूर्वी लद्दाख सेक्टर में ये आयोजित हुआ है। ठीक है, आग्नेयस्त्र नाम का सैन्य अभ्यास, और 16 जून के ठीक 3 बाद ये आयोजित किया जा रहा है। 16 जून को ही अगर आपको याद हो 2020 में गलवान घाटी का संघर्ष हुआ था और जिसमें 20 भारतीय जवान शहीद हुए थे। हालांकि इन 20 भारतीय जवानों ने 38 से ज्यादा चाइनीज सोल्जर्स को मार गिराया था। तो फिलहाल अरुणाचल प्रदेश के तवांग और पश्चिमी कामेंग जिले में बुलंद भारत अभ्यास आयोजित किया गया था, जहां पर तवांग घाटी इंसिडेंट हुआ था, और गलवान घाटी इंसिडेंट जहां हुआ था वहां पर अभी देखो आग्नेयस्त्र वन नाम का सैन्य अभ्यास हुआ है। अगला, हाल ही में आयोजित एशियाई चैंपियनशिप में भवानी देवी ने कौन सा पदक जीत करके इतिहास रचा? तो एशियाई चैंपियनशिप में भारतीय तलवारबाज भवानी देवी ने दोस्तों ब्रॉन्ज मेडल जीता है, और भवानी देवी ये मेडल जीतते ही कोई भी मेडल तलवारबाजी में जीतने वाली बन गई हैं पहली भारतीय। ठीक है ना, महिला और पुरुष दोनों मिला करके। आपको अगर याद हो तो भवानी देवी वही हैं जिन्होंने ओलंपिक में भारत के लिए तलवारबाजी गेम में ये भारत की तरफ से डेब्यू की थी, और ना सिर्फ डेब्यू की थी बल्कि एक मैच भी ये जीती थी। तो कोई मैच जीतने वाली भी ओलंपिक में ये पहली खिलाड़ी बनी है। एक्चुअली में तलवारबाजी या जिसे फेंसिंग कहते हैं और जो खेलता है इसे उसे फेंसर कहते हैं, तो जो फेंसिंग का गेम है ना इसके समझ लो आपको ना के बराबर खिलाड़ी मिलेंगे। ठीक है, तो भवानी देवी जो हैं ये इंडिया को रिप्रेजेंट करती हैं और अभी एशियाई चैंपियनशिप में इन्होंने मेडल जीता है, तो ये बड़ी बात है। ठीक है, हालांकि सेमीफाइनल ये चाइना की एक वुक्सी से हार गई हैं, वुक्सी नाम की महिला थी। अगला, किस राज्य में पुरातत्वविद द्वारा मध्य पाषाण युग की रॉक पेंटिंग की खोज की गई है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मध्य पाषाण काल की रॉक पेंटिंग जो है ये खोज की है पुरातत्वविदों ने आंध्र प्रदेश में। आर्टिकल देखिए, आर्कियोलॉजिस्ट रिपोर्ट्स मेसोलिथिक इरा रॉक पेंटिंग इन गुंटूर, आंध्र प्रदेश के गुंटूर में मेसोलिथिक युग की ये खोज की गई है। ठीक है, भूमि के एक टुकड़े को जोतते हुए एक व्यक्ति को चित्रित करने वाली रॉक पेंटिंग जो है ये खोजी गई है।
अगला, हाल ही में जारी हुरून इंडिया 500 की लिस्ट में भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी? तो भारत की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी अभी भी रिलायंस बनी हुई है, और रिलायंस को मतलब शायद ही कोई पीछे कर पा रहा हो। तो रिलायंस जो है ये 16.3 लाख करोड़ की वैल्यूएशन के साथ ये इंडिया की टॉप, इंडिया की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बनी है। सेकंड पर TCS है, TCS बोले तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टाटा का ही प्रोडक्ट है। तीसरे पर HDFC है, HDFC में HDFC बैंक का विलय हो गया है, ये भी ध्यान रखिएगा, ये विलय 1 जुलाई से प्रभावी हो गया है, और रिपोर्ट जारी करता है हुरून इंडिया। अगला, हाल ही में किस थीम के साथ 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया गया? तो देखो 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है, लेट्स मूव थीम इस बार रखी गई थी, और इस थीम के साथ इस बार ये ओलंपिक दिवस मनाया गया। ठीक है, 1894 में 23 जून को ही बैरन पीरेडी कुबर्टिन ने ओलंपिक समिति की स्थापना की थी, IOC की स्थापना की थी, और इसी वजह से इसी की स्थापना दिवस पर ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। अब 2 साल बाद इसी संगठन के द्वारा पहली बार 1896 में पहला ओलंपिक आयोजित किया गया, ये पहला ओलंपिक एथेंस में हुआ था, एथेंस ग्रीस में। ठीक है, तो 1894 में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना हुई, 1896 में पहला ओलंपिक खेला गया। ठीक है, लेट्स मूव इस बार की थीम थी। 2024 का ओलंपिक कहाँ होने वाला है? पेरिस में होने वाला है। ठीक है, थॉमस बाक जो है IOC के अध्यक्ष हैं, हेडक्वार्टर इसका लुसाने में है। अगला, बिहार राज्य में कब तक दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर बनकर तैयार होगा? तो बिहार स्टेट में दोस्तों एक बड़ी न्यूज आई है कि 2025 तक दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर जो है वो बन करके तैयार हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आर्टिकल है और इसमें ये बताया गया है, दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर चंपारण जिला बिहार में बनेगा 2025 तक, 3.67 लाख वर्ग फुट में बनेगा, टोटल 500 करोड़ की लागत आने वाली है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर ने योग दिवस कार्यक्रम में 1.25 लाख लोगों की भागीदारी के साथ एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो दोस्तों गुजरात का शहर है सूरत, वहां पर 1.25 लाख लोग इकट्ठा हुए योगा दिवस के अवसर पर, और सब लोग एक साथ मिलकर के योग किए, और जिससे बन गया एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड। यहाँ पर देखिए आर्टिकल है, विद 1.2 लाख पार्टिसिपेंट इंटरनेशनल योगा डे इवेंट सूरत सेट ने न्यू गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वाले आए थे और इनको अवार्ड देकर गए। तो राजस्थान के कोटा शहर ने पिछली बार 2018 में ऐसा ही एक रिकॉर्ड बनाया था, जब 1 लाख लोग जो है वो इकट्ठा हुए थे, अब 1.25 लाख लोग जो है यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। अगला, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में पहले स्थान पर कौन है? तो ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना जो है ये टॉप पर है। यहाँ पर देखिए, दीज आर द वर्ल्ड मोस्ट लिवेबल सिटीज फॉर 2023, कौन सी सिटीज हैं आइए देखते हैं। इन सिटीज में टॉप पर वियना है, सेकंड पर कोपेनहेगन डेनमार्क है, थर्ड पर सिडनी है ऑस्ट्रेलिया का शहर। ठीक है, और अगर भारत के 5 शहरों की बात की जाए तो बेंगलुरु, अहमदाबाद, चेन्नई, नई दिल्ली और मुंबई भी इसमें शामिल हैं। ठीक है, इसको रिपोर्ट को जारी किया है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ने, EIU ने। ठीक है, EIU के द्वारा ही डेमोक्रेसी इंडेक्स भी जारी किया जाता है, डेमोक्रेसी इंडेक्स जारी किया जाता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलो मुझे कमेंट करके बताओ इन डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है। अगला, फिच के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024 के लिए भारत की GDP दर क्या है? तो फिच रेटिंग ने अपनी GDP ग्रोथ रेट में सुधार किया है, इसने अब 6.3% का एक नया एस्टिमेट जारी किया है भारत की GDP ग्रोथ रेट के लिए। देखिए पहले इसने 6% बताया था, अब इसने बताया है 6.3%। ओके, तो अब इसने इतना संशोधन किया हुआ था, 2022-23 में इसने बताया था 7.2%। ठीक है, भारत की GDP को लेकर, GDP यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। अगला, अच्छा दोस्तों जनवरी से जून तक का करंट अफेयर का लास्ट 6 मंथ का लॉन्च हो चुका है, जिनको लेना है ईबुक से पढ़ना है वो पढ़ाई कर सकते हैं इसमें जा करके। ठीक है, जनवरी से लेकर के जून तक का कंटेंट है, जबरदस्त चैप्टर बाय चैप्टर है, और ईबुक तो आप जानते ही हो, हम लोग 5 साल से ईबुक लॉन्च कर रहे हैं तो काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है, काफी अच्छा कॉन्टेंट इसमें है, आप एक बार लोगे दिल खुश हो जाएगा। आपको क्या करना है, MZT ऐप से जाकर के इसे परचेज करना है, या फिर आप व्हाट्सएप कर सकते हो, व्हाट्सएप का नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, इंडिया के हर एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है। अगला, हाल ही में किस देश ने इस्लामी पहचान बचाने के लिए होली पर प्रतिबंध लगाया? तो दोस्तों पाकिस्तान ने लगाया था, हालांकि काफी ज्यादा विरोध हुआ, उसके बाद इसने प्रतिबंध हटा लिया। इसने ये कहा था कि यूनिवर्सिटीज में इस्लामी पहचान को खतरा है, इसलिए यूनिवर्सिटीज वगैरह में होली नहीं मनाई जाएगी। ठीक है, काफी न्यूज हुई, न्यूज में बात आई और विरोध हुआ, तो बाद में ये अंदर अंदर से वापस लेने की घोषणा कर चुके हैं। अगला, 13वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीता? तो इसको जीत लिया है दोस्तों मध्य प्रदेश ने,
मध्य प्रदेश ने चंडीगढ़ को हरा करके जीता है। यहाँ पर देखो मध्य प्रदेश राउंड चैंपियनशिप 13th इंडिया जूनियर मेन नेशनल चैंपियनशिप, तो मध्य प्रदेश ने अभी बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम में जीता है, फाइनल में चंडीगढ़ को इसने हराया है, ठीक है। और हॉकी हरियाणा वाला जो है वो तीसरा स्थान हासिल किया है। जूनियर हॉकी एशिया कप में भारत ने जीता था अभी पुरुषों में, और महिला वाले में भी जूनियर हॉकी एशिया कप भारत ही जीता है। ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप याद रखेंगे, ठीक है। अगला, जून 2023 में 75% अप्रूवल के साथ दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन बने? तो एक बार फिर से नरेंद्र मोदी जी जो हैं ये छाए हुए हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर लीडर के रूप में ये बने हुए हैं, अपनी पॉपुलरिटी कम नहीं होने दे रहे हैं। दुनिया भर में 75% एक्सेप्टेंस इनकी है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, उसके बाद एलियन बार्सिस्ट हैं स्विट्जरलैंड के, फिर आंद्रे मेलुएल लोपेज हैं ओब्राडोर मैक्सिको के, और यहाँ पर आपको दिखेंगे ऋषि सुनाक, ठीक है, ऋषि सुनाक ब्रिटेन के सीएम। जो बाइडेन आपको यहाँ पर दिखेंगे, बहुत पीछे हैं लोग। तो आगे बढ़ते हैं, सारी डिटेल्स यहाँ पर हैं। अगला, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ पर बलिदान स्तंभ का उद्घाटन किया? तो बलिदान स्तंभ का उद्घाटन दोस्तों ये किया गया है जम्मू एंड कश्मीर में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी गए हुए थे श्रीनगर, और वहां पर इन्होंने बलिदान स्तंभ का उद्घाटन किया है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी भी शामिल रहे। श्रीनगर जो है स्मार्ट सिटी परियोजना का हिस्सा है, इसे स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है। अगला, किस फुटबॉलर ने 200 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो 200 इंटरनेशनल मैच खेल चुके हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ये हैं पुर्तगाल के खिलाड़ी। और वर्तमान में अगर पूछा जाए क्लब मैच में किससे खेलते हैं, तो क्लब मैचों में ये खेलते हैं अल नासर से खेलते हैं, जो कि सऊदी अरब की टीम है, सऊदी अरेबिया की टीम है, ठीक है, तो उससे ये खेलते हैं। तो ये इन्होंने 200 इंटरनेशनल मैच को खेलने का एक रिकॉर्ड बना दिया है, ठीक है। और ये 6 बार वर्ल्ड कप भी खेल चुके हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा गोल करने का रिकॉर्ड भी इन्हीं के नाम है, ठीक है, और इंटरनेशनल मैच में भी सबसे ज्यादा गोल इन्हीं के नाम है। अगला, चर्चे में रही पुस्तक इंडियाज फाइनेंस मिनिस्टर्स, इसकी लेखक कौन है? तो इस पुस्तक को लिखा है दोस्तों अशोक कुमार भट्टाचार्य ने। यहाँ पर देखिए इस प्रकार से ये पुस्तक दिख रही है, फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू इमरजेंसी, यानी 1947 से 1977 तक इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर्स के बारे में इसमें लिखा गया। इन्होंने ये भी कहा है कि इसका दूसरा संस्करण भी लाएंगे, जिसमें इमरजेंसी के बाद से आज तक के फाइनेंस मिनिस्टर्स का इसमें रहेगा डिटेल, ठीक है, किसने क्या किया, किसके टाइम पर क्या कुछ हुआ, ये सभी। अगला, हाल ही में भारत के सबसे बड़े बिजली उत्पादक टीम मार्क्समैन ने मोस्ट प्रिफर्ड वर्क प्लेस फॉर ऑफ 2023-24 जो है इसका अवार्ड किसे दिया? तो ये मिला है एनटीपीसी को। एनटीपीसी जो है ये सबसे ज्यादा प्रिफर्ड है वर्क प्लेसेस में, मतलब कि इनके एम्प्लॉय जो है सबसे ज्यादा प्रिफर करते हैं यहाँ पर काम करने के लिए। एनटीपीसी यानी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, ये एक महारत्न कंपनी है भारत की, और ये बिजली वगैरह बनाती है, प्रोड्यूस करती है, ठीक है। अगला, इसके महानिदेशक है गुरदीप सिंह, इनका नाम आप याद रखेंगे। अगला, हाल ही में भारत और किस देश ने रक्षा सहयोग नवाचार को बढ़ाने के लिए इंडस एक्स शुरू किया? ये दोस्तों शुरू किया है किसने? अमेरिका ने भारत के साथ मिलकर। देखो यहाँ पर IND और US, यानी इंडिया US एक्स, ठीक है, तो इंडिया और US के बीच में ये डील हुई है। देखो भारत के प्रधानमंत्री गए हुए थे US, बहुत सारे डील हुई, और उसमें एक डील ये भी था इंडस एक्स, ठीक है ना, इंडिया US के बीच में रक्षा सहयोग और नवाचार को बढ़ावा दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जून 2023 में अलीबाबा के नए चेयरमैन और CEO कौन बने? तो अलीबाबा के नए चेयरमैन और CEO दोस्तों बन गए हैं जोसेफ साई डेनियल झांग की जगह पर आए हुए हैं। अलीबाबा ग्रुप आपको पता होगा अगर चाइना की, ये एक ई कॉमर्स कंपनी है और बहुत बड़ी कंपनी है, एक टाइम पर तो चाइना के सबसे अमीर व्यक्ति हुआ करते थे इसके फाउंडर कौन है? इसके फाउंडर हैं दोस्तों जैक मा, ठीक है, और इन्होंने स्थापना की थी, लेकिन डेनियल झांग जो है ये CEO थे और जोसेफ साई जो है अब नए CEO बने। अगला, टाइम्स हायर एजुकेशन की एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत के कितने संस्थान शामिल हैं? तो एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत के 18 संस्थान शामिल हैं। ध्यान रखिएगा, टाइम्स हायर एजुकेशन ने ये लिस्ट जारी की है, तो इसमें भारतीय संस्थानों में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलुरु जो है ये टॉप पर है। पूरी लिस्ट मैं आपको दिखाता हूँ, देखो सिंघुआ यूनिवर्सिटी चाइना की ये टॉप पर है, सेकेंड पर है पेकिंग यूनिवर्सिटी चाइना का ही है, नेशनल यूनिवर्सिटी सिंगापुर ये थर्ड पर है, और 48वें पर भारत की कोई यूनिवर्सिटी आ रही है जो टॉप 50 में इकलौती है। इसके बाद अगर बात करें तो 66वें पर JSSS अकेडमी है। टॉप 100 में ना 3 या 4 इंस्टीट्यूट ही हैं भारत के, 4 इंस्टीट्यूट यहाँ पर देखो, शीर्ष 200 में 18 और 4 जो हैं 100 में, और टॉप 50 में केवल एक। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में साहित्य अकादमी ने कितने बाल साहित्य पुरस्कार प्रदान किए?
तो दोस्तों साहित्य अकादमी के द्वारा बाल साहित्य पुरस्कार दिए गए हैं 22, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बाल साहित्य पुरस्कार भी दिए गए, साथ ही साथ एक और प्रकार का पुरस्कार दिया गया, युवा पुरस्कार। तो युवा पुरस्कार विजेताओं की संख्या टोटल 20 रही, बाल साहित्य पुरस्कार विजेताओं की संख्या 22 रही। अब इसमें कुछ प्रमुख हैं जो जिनके नाम आपको ध्यान रखने हैं, जैसे आप सुधा मूर्ति का नाम याद रख सकते हैं, जो कि ऋषि सुनक, जो कि ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर है, उनकी सासू माँ हैं, और भारत के इन्फोसिस के आप फाउंडर जानते ही हो, नारायण मूर्ति, उनकी वाइफ हैं। तो सुधा मूर्ति जो हैं इनको मिला है, इनको ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज नाम की इनकी पुस्तकों का जो संग्रह था उसके लिए मिला है। इसके अलावा सूर्यनाथ सिंह, एकनाथ अवार्ड, विशाखा विश्वनाथ, इन सबको भी मिला है। अगला, शिशुओं के स्वास्थ्य की ऑनलाइन निगरानी रखने के लिए किस राज्य सरकार ने PCTS ऐप लॉन्च किया? इसे लॉन्च किया है दोस्तों राजस्थान में। राजस्थान सरकार ने अभी हाल ही में अनाउंस किया है कि PCTS मोबाइल ऐप एक होगा, लॉन्च किया जाएगा, जो जिसके थ्रू बेटर हेल्थ केयर प्रोवाइड किया जा सकेगा मदर्स को और इन्फेंट्स को, यानी शिशु और नवजात शिशुओं की माँ को। PCTS का मतलब होता है प्रेगनेंसी चाइल्ड ट्रैकिंग एंड हेल्थ केयर मैनेजमेंट सिस्टम। अगला, हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच आर्टेमिस समझौता हुआ, नासा द्वारा आर्टेमिस मिशन कब लॉन्च किया जाएगा? तो नासा के द्वारा आर्टेमिस मिशन दोस्तों 2024 में लॉन्च किया जाने हैं, और इसके तहत अभी भारत और अमेरिका के बीच में आर्टेमिस एक समझौता हुआ है, आर्टेमिस अकॉर्ड के नाम से जाना जाता है, ठीक है, यहाँ पर देखो आर्टेमिस अकॉर्ड। तो बेसिकली इंडिया भी आर्टेमिस अकॉर्ड में शामिल हो गया है, इसमें बहुत सारे देश ऑलरेडी शामिल हैं, 26 देश थे, 27वां देश बना है इंडिया, ये पॉइंट याद रखिएगा, 27वां देश भारत बना है, ठीक है, आर्टेमिस अकॉर्ड में शामिल होने वाला। इसके तहत क्या होता है, इसके तहत नासा जो है ये समझ लो एक ग्रुप बनाया है, एक अलायंस बनाया है, जिसके तहत जो लोग शामिल होते हैं उनको अंतरिक्ष स्टेशन में एक्सेस मिल जाता है, साथ ही साथ नासा के साथ मिल करके वो अंतरिक्ष को एक्सप्लोर करने में मदद पाते हैं, ठीक है। तो 2014 में नासा और इसरो मिल करके, सॉरी 2024 में नासा और इसरो मिल करके संयुक्त मिशन करने वाले हैं। अगला, हाल ही में किसे मिस्र के सर्वोच्च राजकीय सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया? तो अभी हाल ही में PM मोदी जी को दोस्तों सम्मानित किया गया है ऑर्डर ऑफ द नाइल से। अभी ये अमेरिका की जब यात्रा पर थे तो वहां से लौट कर आए, मिस्र गए और वहां पर ये पाए हैं अवार्ड। अच्छा, ध्यान रखिएगा PM मोदी ने इस महीने कौन कौन सी जगहों पर यात्रा की है और पिछले महीने कौन सी की है, मतलब पिछले एक दो महीनों में कहां कहां पर यात्राएं की हैं, वहां से क्वेश्चन बनेगा जरूर। तो ध्यान रखना, अभी जब G7 की मीटिंग हुई थी मई में, G7 की मीटिंग को अटेंड करने गए थे जापान, ठीक है, इंडिया G7 का हिस्सा तो नहीं है लेकिन एज ए गेस्ट इनको इनवाइट किया गया था। इसके बाद वहां से आए और ये गए पापुआ न्यू गिनी में भी ये वहां का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पाए, साथ ही साथ ये फिजी का भी नागरिक सम्मान पाए हैं, ठीक है। इसके बाद ये वहां से आए ऑस्ट्रेलिया में ये गए, ठीक है ना, और उसके बाद फिर अभी जब दूसरा दौरा किए तो दूसरा दौरा में ये गए यूएसए यानी अमेरिका गए, वहां पर भव्य स्वागत हुआ इनका, बहुत सारी डील हुई अमेरिका के साथ अपनी, ठीक है। इसके बाद वहां से लौट रहे थे तो ये गए इजिप्ट यानी मिस्र, और मिस्र में इनको ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया, क्लियर है ना। तो ये 5 देशों के दौरे पर गए हैं, तो इनमें से कोई सभी 3 ऑप्शन दे देगा, एक ऑप्शन नहीं रहेगा और वही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, कि निम्न में से किस देश में पीएम मोदी ने अभी हाल ही में यात्रा नहीं की है। चलो अगला, तो ये सारा डिटेल्स है, 13वां सर्वोच्च राजकीय सम्मान माना जाता है, ये व्यक्ति हैं और बहुत ही गिने चुने दूसरे देशों के राष्ट्र अध्यक्ष जो हैं उनको अभी तक ये मिला है बस, ठीक है। अगला, जून 2023 में जारी ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो देखो, ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स यानी कि वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक जारी की गई है, और इसमें डेनमार्क जो है ये टॉप पर रहा है। यहाँ पर देखिए, सिंगापुर फॉल्स 1 स्पॉट इन 4th ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, इंडिया रैंक 40th। तो इंडिया तो जो है वो तो 40वें स्थान पर है, ठीक है, यहाँ पर टॉप पर पोजिशन तो नहीं दिया गया है लेकिन यहाँ पर मैंने लिख दिया है। देखिए, डेनमार्क टॉप पर है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट यानी IMD के द्वारा ये जारी किया जाता है, तो जारी करता भी कभी कभी पूछ लिया जाता है रिपोर्ट को जारी कौन कर रहा है। टॉप 3 ये हैं, डेनमार्क, आयरलैंड और स्विट्जरलैंड। टोटल 64 देशों में भारत की रैंक 40वीं थी, ठीक है। आगे देखते जाओ, बहुत सारे इंडेक्स आने वाले हैं। जून 2023 में भारतीय वायुसेना ने कहां पर अभ्यास रणविजय किया? तो भारतीय वायुसेना के द्वारा अभ्यास रणविजय किया गया है प्रयागराज में, प्रयागराज उत्तर प्रदेश में, ठीक है, उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी है दोस्तों प्रयागराज, ध्यान रखिएगा, ज्यूडिशियल कैपिटल है प्रयागराज, ठीक है, वैसे कैपिटल तो लखनऊ है, आप सब जानते हो। IAF जो है इसने किया है ये रणविजय, फोकस ऑन इंटीग्रेटेड ऑपरेशंस, भारत के इंटीग्रेटेड ऑपरेशन पर फोकस करने के लिए ये किया गया है, ठीक है, इसमें Sukhoi-30 वगैरह विमान शामिल थे। अगला, हाल ही में शंकर महादेवन को ब्रिटेन में डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया, ये पुरस्कार उन्हें किस क्षेत्र में दिया गया?
तो शंकर महादेवन आप जानते हो बहुत ही फेमस भारत के म्यूजिशियन हैं, तो इनको म्यूजिक और आर्ट की कैटेगरी में दिया गया है। ब्रिटेन में एक यूनिवर्सिटी के द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है शंकर महादेवन को। ठीक है, कौन सी यूनिवर्सिटी है? बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी। ओके, अच्छा, बर्मिंघम से ही आपको याद रखना है कि 2022 का बर्मिंघम में ही हुआ था कॉमनवेल्थ गेम। लिंक करिए, कोई भी सिटी का नाम आए उससे रिलेटेड कोई भी न्यूज हो तो एक बार रिकॉल कर लीजिए। ठीक है, वैसे शंकर महादेवन 2019 में पद्मश्री से भी सम्मानित किए जा चुके हैं। अगला, असम राज्य ने किस नदी के नीचे पहली अंडर वाटर सुरंग बनाने की घोषणा की है? तो असम राज्य में अब अभी ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे अंडर वाटर सुरंग बनाई जाएगी, टनल बनाई जाएगी। ठीक है, और ये बहुत ही जल्द कंप्लीट हो जाएगा। ये रेल रोड टनल होगी, यानी इसमें रेल भी चलेगी और रोड भी रहेगा, यानी सड़क भी रहेगी। ठीक है, तो नुमालीगढ़ और गोहपुर को ये जोड़ेगी। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ने इसके अनाउंसमेंट किया है। लगभग 15 किलोमीटर लंबी ये सुरंग होगी और 6,000 करोड़ की लागत से बनेगी। क्लियर, तो ये पूर्वोत्तर भारत में ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे पहली रेल रोड सुरंग होगी। वैसे अंडर वाटर मेट्रो की अगर बात की जाए, ये तो अंडर वाटर टनल है, अंडर वाटर अगर मेट्रो की बात की जाए तो ये कोलकाता के द्वारा शुरू किया जा रहा है। किसके द्वारा? कोलकाता मेट्रो के द्वारा। अगला, जून 2023 में अडानी ग्रुप ने 1983 विश्व कप जीतने वाली टीम इंडिया के सम्मान में कौन सा अभियान शुरू किया? तो अडानी ग्रुप ने दोस्तों शुरू किया है जीतेंगे हम, ठीक है, जीतेंगे हम नाम से एक कैंपेन। यहाँ पर देखो, जीतेंगे हम नाम से कैंपेन इन्होंने शुरू किया है और इसके तहत इन्होंने 1983 वर्ल्ड कप के विजेता टीम के जो सदस्य हैं उनको बुला करके उनको सम्मानित भी किया है। जैसे कपिल देव आपको दिख रहे हैं, ठीक है, बड़े बड़े खिलाड़ी सभी लोग इसमें शामिल थे। ठीक है, तो 1983 विश्व कप जीतने वाली टीम इंडिया को इन्हीं के सम्मान में, इन्हीं के साथ जीतेंगे हम अभियान शुरू किए हैं। एक्चुअली में इस बार भी अभी भारत ही मेजबानी करने जा रहा है। भारत में 1983 में दोस्तों भारत ने जीता था एक वर्ल्ड कप 2011 में जीता था भारत ने, ठीक है, क्रिकेट का, आईसीसी का ओडीआई वाला, और अभी फिर से आयोजित किया जा रहा है 2023 में, तो मोस्ट प्रोबेबली इस बार भी जीत जाए। अगला है, मुंबई में आयोजित 8वें ग्लोबल फार्मास्यूटिकल क्वालिटी समिट 2023 की थीम क्या रखी गई है? तो दोस्तों मुंबई में अभी ये 8वां ग्लोबल फार्मास्यूटिकल क्वालिटी समिट आयोजित किया गया। एक क्वेश्चन तो यहीं पर आपसे बन जाएगा कि कहां पर आयोजित किया गया, इसकी थीम क्या रखी गई थी? इसकी थीम थी इस बार रोगी केंद्रता विनिर्माण और गुणवत्ता का नया प्रतिमान, यानी पेशेंट सेंट्रिसिटी न्यू पैराडिग्म ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड क्वालिटी। ठीक है, तो मुंबई में ये आयोजित किया गया। केंद्रीय रसायन और उर्वरक और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के जो मंत्री हैं, यानी दो मंत्रालय संभाल रहे हैं जो मंत्री, डॉक्टर मनसुख मंडाविया, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। क्लियर है। अगला, जून 2023 में डीएसबी बैंक इंडिया के एमडी कौन नियुक्त किए गए? तो ये नियुक्त किए गए हैं दोस्तों रजत वर्मा, डीएसबी बैंक के नए मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए हैं रजत वर्मा। डीएसबी बैंक एक विदेशी बैंक है लेकिन भारत में इसका यूनिट है, तो इसलिए भारतीय यूनिट के ये अध्यक्ष होंगे। अगला, 2022-23 के लिए लीग वन में सर्वश्रेष्ठ विदेशी खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता? तो ये पुरस्कार जीत लिया दोस्तों लियोनल मेसी ने। लियोनल मेसी आप जानते हो ये अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं, बहुत ही फेमस, इस बार अपनी टीम को ये वर्ल्ड कप भी जितवाए हुए हैं। तो लियोनल मेसी जो कि दूसरे सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले खिलाड़ी हैं, इन्हें बेस्ट फॉरेन प्लेयर का अवार्ड मिला है अभी फ्रांस में। ये बार्सिलोना के साथ पहले खेलते थे, अब उसको छोड़ करके पेरिस सेंट जर्मन के साथ खेलते हैं। ठीक है, इनकी ही टीम ने जीता था अभी वर्ल्ड कप। अगला, किस केंद्रीय मंत्री ने नंदी पोर्टल शुरू किया? तो नंदी पोर्टल दोस्तों शुरू किया है अभी हाल ही में पुरुषोत्तम रूपाला जी ने। यहाँ पर देखिए आर्टिकल है, यूनियन मिनिस्टर पुरुषोत्तम रूपाला ऑन मंडे लॉन्च नंदी पोर्टल। ये किसके लिए है? ये पशुओं के लिए लॉन्च किया गया है। ठीक है, भारत में एक पशु स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए विकसित किया गया है ये पोर्टल। ठीक है, और इससे पशुओं का तुरंत चिकित्सा हो पाएगा। अगला, करियाकोस मित्सकाकिस ये ग्रीस के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किए, ये इनका कौन सा कार्यकाल था? ये इनका दूसरा कार्यकाल है, दूसरी बार ये बने हुए हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर सेकंड टर्म टुडे, तो ग्रीस के सेंटर राइट विंग के किरियाकोस मित्सकाकिस, पता नहीं कैसे नाम होता है इन लोग का, इन्होंने प्राइम मिनिस्टर के रूप में शपथ ग्रहण की है, यानी कि ये यहाँ के प्रधानमंत्री बने हुए हैं। ग्रीस की अगर मुद्रा की बात करें यूरो होती है और एथेंस इसकी कैपिटल होती है, राष्ट्रपति है कैटरीन सकेलारोपोलू। अगला, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 जारी की गई, इसमें कौन सा भारतीय संस्थान भारत में टॉप पर है? तो इसमें भारत में दोस्तों टॉप पर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे। ठीक है, यहाँ पर देखो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो जारी की गई है, आईआईटी बॉम्बे जो है ये टॉप इंडियन यूनिवर्सिटी बनी है। देखो एक चीज और ध्यान रखना, ये हमेशा एक साल आगे का जारी करते हैं, यानी 2023 में है तो 2024 के लिए जारी करेंगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, तो कन्फ्यूज मत होना। फिलहाल ये टॉप थ्री तो हमेशा से आपको दिखेंगे, जैसे लगातार 12 साल से ये मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी MIT जो है ये टॉप पर बनी हुई है लगातार 12 साल से।
ठीक है, भारत वाला ही थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिलता है कभी कभी, उसमें भी आईआईटी बॉम्बे ये देखो टॉप पर बना हुआ है। ओवरऑल में देखा जाए तो इसकी रैंक 149वीं है। आईआईटी दिल्ली भारत में दूसरा इंस्टीट्यूट है, ओवरऑल रैंक इसकी 197वीं है। आईआईसी बेंगलुरु इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलुरु जो है ये 225वें ओवरऑल रैंक पर है, भारत में तीसरे स्थान। अगला क्वेश्चन, हाल ही में चर्चे में रही पुस्तक द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रन किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसको लिखा है दोस्तों रूपा पाई ने। रूपा पाई की ये पुस्तक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, काफी ज्यादा फेमस ये राइटर हैं। द योगा सूत्र फॉर चिल्ड्रन जो है ये पुस्तक इनकी आई हुई है। इसके पहले इन्होंने लिखी थी द गीता फॉर चिल्ड्रन, ये बेस्ट सेलर रही थी, और अब इसके बाद इन्होंने ये अपनी अगली पुस्तक लॉन्च की हुई है। अगला, दुनिया भर में सबसे बड़े सड़क नेटवर्क के मामले में भारत किस स्थान पर आ गया है? तो दुनिया के सबसे बड़े सड़क नेटवर्क के मामले में भारत आ गया है दूसरे स्थान पर। ठीक है, यहाँ पर देखो इंडिया का रोड नेटवर्क जो है ये 59% ग्रो किया है पिछले 9 सालों में, और सेकेंड लार्जेस्ट बन गया है इन द वर्ल्ड। नितिन गडकरी जी ने ये बताया है, जो कि केंद्रीय परिवहन मंत्रालय के मंत्री हैं। तो 1.45 लाख किलोमीटर सड़क नेटवर्क जो है 2014 के बाद से अब तक जोड़ चुका है। भारत ने चीन को पीछे कर दिया है। NHAI के अध्यक्ष हैं संतोष कुमार यादव, इनका भी नाम याद रखना, NHAI एंड नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगला, हाल ही में लिथियम आयन बैटरी के अमेरिकी सह आविष्कारक जॉन बेनिस्टर गुडइनफ का निधन हो गया, इन्हें किस वर्ष नोबेल मिला था? तो जॉन बेनिस्टर गुडइनफ जो लिथियम आयन बैटरी के ये आविष्कारक माने जाते हैं, इनको 2019 में नोबेल पुरस्कार मिला था, तो इनका अभी निधन हो गया है। यहाँ पर देखो 2019 में पा चुके थे, ठीक है, और इन्होंने लिथियम आयन बैटरी का आविष्कार किया था, और जिसको आप देख ही रहे हो आजकल सभी इलेक्ट्रिक कारों वगैरह में बहुत ज़्यादा यूज किया जा रहा है। 101वां जन्मदिन का होने वाला था और उससे पहले ये निपट गए। अगला, प्रत्येक वर्ष 29 जून को किसकी जयंती पर राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाते हैं? तो 29 जून दोस्तों राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, नेशनल स्टैटिस्टिक डे मनाया जाता है। पीसी महानलोबी जो कि भारत में सांख्यिकी के जनक कहे जाते हैं, इनकी जयंती के अवसर पर, ठीक है, तो 29 जून का डेट याद रखना इंपॉर्टेंट है। भारत में जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी ना, वो इन्हीं के कॉन्सेप्ट पर आधारित थी, ठीक है। 2007 में पहली बार ये दिवस मनाया गया और उसके बाद से मनाया जा रहा है। थीम लंबी है तो आपको याद नहीं करना है। अगला, हाल ही में जारी ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? तो एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स जो भी जारी की गई है, इसमें भारत है दोस्तों 67वें स्थान पर। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसमें देखो टॉप पर कौन है ये भी ध्यान रखना है, और जारीकर्ता कौन है ये भी ध्यान रखना है। जारीकर्ता है WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ये जारी की जाती है, ठीक है ना, और 120 देशों में 67वें स्थान पर भारत है। टॉप पर स्वीडन, डेनमार्क और नॉर्वे हैं। अब पिछले दिनों में कुछ महत्वपूर्ण इंडेक्स आए हैं, उनको रिकॉल कर लीजिए, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं तो कहूँगा आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक यानी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी किया गया, भारत 161वें स्थान पर है। IMD के द्वारा ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स जारी किया गया, भारत 40वें स्थान पर है। WEF के द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जारी की गई, भारत 127वें स्थान पर है। ध्यान रखना जारीकर्ता के भी नाम पूछे जाते हैं। हेंके की वार्षिक दुग्ध सूचकांक में भारत 103वें स्थान पर, और वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में भारत 42वें स्थान पर। विश्व बैंक की लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत 38वें स्थान पर, और वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत 126वें स्थान पर। ऐसे भी वर्ल्ड पीस इंडेक्स में भी, ग्लोबल पीस इंडेक्स में भी यानी शांति सूचकांक में भी भारत जो है वो 126वें स्थान पर है। अभी रिसेंटली ये जारी की गई है, ठीक है, इसमें सूचकांक में भी भारत ने भी है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत 50वें पर है। क्लियर दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को ना शेयर जरूर कर देना। आपका जितना भी ग्रुप है, अगर आप यहाँ तक वीडियो देखते आए हो, अगर आपको हमारी ये मेहनत लग रहा है कि हाँ ठीक है सर ने मेहनत किया हुआ है, तो आप प्लीज़ इसके लिए शेयर जरूर कर देना वीडियो को। अगला, जून 2023 में सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीता है? तो इसको जीत लिया दोस्तों तमिलनाडु ने। सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप की बात हो रही है, तो तमिलनाडु ने इसको जीत लिया है हरियाणा को हरा करके, ठीक है ना। यहाँ पर देखो दूसरी बार तमिलनाडु की टीम ने जीता है, अमृतसर के गुरु नानक स्टेडियम में हुआ, और हरियाणा को 2-1 से इन्होंने हरा दिया है। इससे पहले 2018 में ये जीता था, ठीक है, और सबसे ज्यादा बार मणिपुर जीता है, 21 बार टूर्नामेंट मणिपुर ने जीता है, ठीक है। अगला, हेमिस फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? तो देखो हेमिस फेस्टिवल दोस्तों ये मनाया जाता है लद्दाख में। हेमिस आपको ये भी पता होगा कि हेमिस एक नेशनल पार्क भी है। हेमिस नेशनल पार्क कहाँ पर है? ये है लद्दाख में। बड़ा पूछा जाता है ये भी, क्यों? क्योंकि ये जो है भारत का सबसे बड़ा, इंडियाज लार्जेस्ट नेशनल पार्क है। लार्जेस्ट नेशनल पार्क है हेमिस नेशनल पार्क, याद रखना, और ये लद्दाख में पड़ता है। तो लद्दाख में ही एनुअली ये भी मनाया जाता है हेमिस महोत्सव। क्लियर है।
चलिए, यहाँ पर चाम नृत्य होता है और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हेमिस फेस्टिवल के अवसर पर कौन सा नृत्य होता है, तो चाम नृत्य होता है। ओके, अगला। अब इस महीने का सब करंट अफेयर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, तो जितने भी दिवस आए हैं उनको मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। वीडियो को पॉज करके दिवस और थीम को तैयार कर लेना अलग से, ठीक है? ये मैं आपको पढ़ करके नहीं बताऊंगा, नहीं तो वीडियो और लंबी जाएगी। तो वीडियो यहाँ पर मैं पूरा दिखा दे रहा हूँ, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन जरूर कर लेना। सभी दिवस हैं, सभी थीम है, ठीक है? यहीं से पूछे जाएंगे। और ये सभी पुस्तकें हैं जो आई हैं पिछले 2-3 महीनों में चर्चे में। ये सारा कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ बिल्कुल फ्री में, तो आप इसको बिल्कुल फ्री मत समझिए, इसको आप समझिए कि आपने पैसे देकर के लिए हैं, ठीक है? ऐसा पेड कंटेंट भी आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो इसको आप इस प्रकार से वैल्यू दीजिए कि जैसे आपने कहीं पर खरीदा हुआ है कंटेंट, ठीक है? और उसी हिसाब से, उसी रिस्पेक्ट के साथ इसको तैयार कीजिए। यकीन मानिए इसकी बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा आपका, ठीक है ना? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए। और जीएस सफलता बैच अगर आप लेना चाहते हैं तो आज के लिए, जिस दिन ये बैच लॉन्च हो रहा है, तो गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरु 50 नाम से एक कूपन कोड दिया गया है, जिसके तहत आपको 50% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। अगर आप आज ये वीडियो देख रहे हैं तो जीएस सफलता बैच जो है ज्वाइन करने का बहुत ही बेहतरीन मौका है। जिस दिन ये वीडियो अपलोड हो रही है, ध्यान रखिएगा, केवल 24 घंटे के लिए है ये, केवल 24 घंटे के लिए है। तो बाद में जो लोग देखेंगे उनके लिए ये ऑफर नहीं है, तो आज आप इस ऑफर का फायदा उठा सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ तक वीडियो देखे, और इसकी क्विज और पीडीएफ वगैरह सब आपको MZTA पर मिलेगी। यहाँ पर ईबुक वगैरह भी आ गई है जनवरी से जून की, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। UPP का बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी टेलीग्राम ग्रुप पर भी पीडीएफ भेज दी जाएगी। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।